गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की आर्थिक विचारों पर, और यानी कि महात्मा गांधी जी ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पश्चिमी लेखक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आर्थिक मामलों में गांधी जी के जो विचार हैं वो प्रतिक्रियावादी थे, और वे भारत के और ख़ास करके संसार के सभी आर्थिक विकास के प्रभाव से उनका विचार बहुत अधिक अलग था। लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी जी मशीनी युग के विरोधी थे, पर मशीन के नहीं। उनका ये विश्वास था कि मशीन उस समय तक अच्छी है जब तक कि मनुष्य की सेवा नहीं हो जाती है वो, लेकिन जब वो मशीन मनुष्य को गुलाम बनाने का प्रयत्न करती है तब वो अच्छी नहीं रहती है। उनका ये मानना था कि जो बड़ी मशीनें हैं वो भारी मशीनों के विरोध में थी, क्योंकि भारी मशीनों की वजह से जो व्यक्ति है उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए वो चाहते थे कि भारी मशीनें ना हो, हालांकि वह सभी मशीनों के नहीं, जैसे कि छोटी मशीनों के वे समर्थक थे, जैसे कि सिलाई की मशीन, इससे व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। चरखा वो भी एक मशीन थी, लेकिन वो इसके पक्षधर थे। तो इनका ये मानना था कि जैसे उनका ये कहना था कि सिलाई की जैसे मशीन है वो छोटी छोटी वो उसका स्वागत करते थे, क्योंकि उससे बहुत सारा कठिन परिश्रम बच जाता था। वो रेल और मोटरों का स्वयं उपयोग करते थे और इसका उपयोग दूसरों को किए जाने के विरोधी नहीं थे। एक बार गांधी जी ने कहा था कि घोड़े की सवारी एक उत्तम एक्सरसाइज है, युवक और युवतियों को घुड़सवारी करना चाहिए ताकि उनका जो हेल्थ है वो सही हो सके। लेकिन इसके विपरीत जो मोटर गाड़ी है उसकी सवारी से न तो एक्सरसाइज हो सकती है और न ही वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जहाँ तक जन शक्ति और मशीन शक्ति का संबंध है, वो ठीक ही चाहते थे कि बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो भारत की जन शक्ति और पशु शक्ति है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही साथ उनका ये मानना था कि औद्योगिकरण से उत्पादन तो बढ़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके फलस्वरूप नैतिकता की प्रगति ही हो, क्योंकि भारत में मशीनीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो उनका ये मानना था कि जो मशीनीकरण है, जो औद्योगिकरण है, उससे सामाजिक नैतिकता का जो स्तर है वो नीचे होता जा रहा है। और इसीलिए उनका ये मानना था कि जिस तरीके से ईश्वर ने हमें शारीरिक श्रम किए जाने योग्य बनाया है, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक अगर मशीनों पर डिपेंड रहेंगे तो हम शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि मानव व्यक्तित्व कुचल दिया जाएगा। यहाँ पर गांधी जी ने रिवाइवल ऑफ विलेज इकोनॉमी, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का पुनरुद्धार की भी बात की है। उनका ये मानना था कि गांव के आंतरिक विकास में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके और वो भूखे ना रहें, भूख से पीड़ित ना हो। वो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को क्रिटिसाइज़ करते थे, उसकी आलोचना करते थे जो जनता का शोषण करके केवल थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति केंद्रित कर देती है। वह उनका इस संदर्भ में उन्होंने कुटीर उद्योगों की बात की। उनका ये मानना था कि कुटीर उद्योगों को हमें अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए, और कुटीर उद्योग में जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, टोकरियाँ बनाना इत्यादि पर उन्होंने जोर दिया। इनका ये मानना था कि इन सभी उद्योगों की उन्नति मात्र से न केवल भारत के करोड़ों लोगों की भोजन, वस्त्र और आवास की समस्या हल हो सकती है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो ग्राम है वहाँ का विकास होगा। यहाँ पर एक बात इंडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि गांधी जी जो हैं वह राज्य के विरोधी थे, पर उनका ये मानना था कि वो शासन की विकेंद्रीकरण पर ध्यान देते थे और उन्होंने उस पर बल दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने ग्राम पंचायत की बात की, जो कि हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में, ये जो गांधीवादी प्रेरणा से इस अनुच्छेद 40 में स्थापित की गई है। तो ग्राम पंचायत होने की वजह से, यानी कि जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, तो यहाँ पर गांव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो यहाँ पर शोषण की जो व्यवस्था है वो बहुत ही निम्न रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि गांव का विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत गांव का देश है और छोटी से इकाई से उत्पन्न होने वाले विकास से पूरे भारत का विकास धीरे धीरे संभव हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने कुटीर उद्योग की बात की। इसके साथ ही साथ वो चाहते थे कि हर गांव या गांव के समूह में अपने उद्योग धंधे हों और उनमें से हर एक का एक
हर एक जो है वो स्वशासित स्वशासित हो, और इसके लिए उन्होंने आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन दोनों के विकेंद्रीकरण की बात पर बल दिया। इसके साथ ही साथ गांधी जी ये कहते थे कि हमें हर तरीके का शारीरिक श्रम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शारीरिक श्रम को हम नहीं करेंगे तो और हम किसी दूसरे के श्रम से अपने उत्पादन की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो वो एक तरीके का शोषण ही होगा। तो यहाँ पर गांधी जी जो हैं उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप यानी न्यायसिता का सिद्धांत दिया। उनका ये मानना था कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और जिनके पास संपत्ति है वो अपने संपत्ति के मालिक ना होकर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना मानकर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए अब खुद को एक ट्रस्टी समझे कि जब भी समाज को इस देश को उनकी संपत्ति की आवश्यकता होगी तो वो स्वेच्छा से अपने संपत्ति को समाज और देश के लिए दान कर सकेंगे। वह केवल व्यक्तिगत हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने संपत्ति का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वह अपने संपत्ति को निजी संपत्ति न मानकर संपूर्ण समाज की धरोहर समझेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी का ये मानना था कि जब तक वर्गहीन और वर्ग राज्यहीन समाज नहीं हो पाता तब तक कि हम वर्तमान व्यवस्था को अहिंसात्मक नहीं बनाएंगे तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन जो है वो थोड़ा सा असफल हो सकता है। इसीलिए हमें नैतिकता और हृदय परिवर्तन में का प्रयोग करते हुए पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन करना चाहिए ताकि वह अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी न मानकर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का खुद को एक ट्रस्टी समझे कि जब भी इस समाज को इस देश को उसकी ज़रूरत होगी तो हम स्वेच्छा से उस संपत्ति को प्रदान कर सके ताकि उस संपत्ति का अधिक से अधिक प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सके। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि गांधी जी ने यही कहा है कि धनी लोगों से आशा नहीं की जा सकती कि वो अपनी संपत्ति को फेंक दें, परंतु उनसे ये आशा अवश्य की जा सकती है कि वो अपनी संपत्ति में लिप्त न रहें। हालांकि इस सिद्धांत पर अमल बहुत कम पाया जा सकता है क्योंकि मनुष्य संपत्ति से इतना अधिक प्रेम करता है, जिसका कि एक उदाहरण हम मैकियावेली के कोटेशन के अंतर्गत समझ सकते हैं, क्योंकि मैकियावेली जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जनक हैं उनका ये कहना था कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है परंतु अपनी पैतृक संपत्ति के को जो छीनता है उसको वो कभी नहीं क्षमा कर पाता है। तो यहाँ पर ये बातें सही हैं, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हमें इस तरीके के नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, राज्य से उत्पन्न होने वाले शोषण को कम करके और अधिक से अधिक लोगों को नैतिकता अवश्य ये प्रेरणा देनी चाहिए कि वो जो हैं जो धनी व्यक्ति हैं वो अधिक से अधिक अपने संपत्ति का जो प्रयोग है वो सार्वजनिक कल्याण के लिए कर सकें। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये देखा कि उस समय जो पराधीन के जो दिन थे उस समय हर एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी परेशानी में था, तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि जो ये समाज में जो विषमता है ये सारी चीज़ें दूर हो सकें। गांधी जी ने भावी समाज की रूपरेखा की भी बात की। उन्होंने ये कह उनका ये मानना था कि हमें शरीर श्रम के सिद्धांत को का पालन करना चाहिए। शरीर श्रम सिद्धांत ये है कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक श्रम करके अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन में योग देना चाहिए। इससे न केवल लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकताएँ पूरी होंगी बल्कि समाज में जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम की जो गरिमा है, वो भी बढ़ेगी। उनका ये मानना था कि हर प्रकार के श्रम को बराबर महत्व देकर जात पात पर आधारित ऊंच नीच को मिटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है उसको उपयुक्त श्रम में लगाया जा सके ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का इतना अधिक फल मिल सके कि वो सादा जीवन बिताकर अपने नैतिक जीवन को उन्नत कर सके। इसके लिए उन्होंने मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाय द मास की प्रणाली को उचित ठहराया और इसमें उन्होंने कुटीर उद्योग के विस्तार का समर्थन किया। गांधी जी के स्वदेशी के सिद्धांत की यह मांग थी
कि लोग केवल अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करें ताकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके। इसका अर्थ ये भी था कि लोग अपनी संस्कृति और स्वाधीनता के साथ लगाव अनुभव करें ताकि वो विदेशी वस्तुओं और उनके विचारों और उनके संस्थाओं का अंधानुकरण न कर सकें। हालांकि प्रशासन के स्तर पर भी देखा जाए तो गांधी जी ने विस्तृत विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन का समर्थन किया है। उनका ये विचार था कि उनका आदर्श राज्य छोटे छोटे आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का संघ बनेगा। इट्स मीन्स अ फेडरेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जिसे प्रतिवर्ष निर्वाचित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होगी। किंतु समाज में मेलजोल और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यतः जो नैतिक सत्ता है और जो जनमत है उसके प्रभाव का सहारा लिया जाएगा। गांधी जी का ये विश्वास था कि ग्राम समुदाय धीरे धीरे लोगों में हार्दिक संबंध स्थापित कर देंगे, उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देंगे और शालीनता का पाठ सिखाया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।